जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं फोर्स की और एसएससी जीडी के थ्रू, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और एसएसबी और एनआई एसएसएफ में जाने का जो सपना रखते हैं उन बच्चों के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में पहली बार हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बार कंपटीशन देख चुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई एग्ज़ाम दिए लेकिन सफलता नहीं मिली। दोस्तों, कहीं ना कहीं निराश भी हो जाते हैं जो बच्चे कुछ, लेकिन कुछ हिम्मत हार बच्चे भी होते हैं जो कभी निराश नहीं होते। उनको पता है निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है, क्योंकि जब तक आप प्रयासरत रहोगे तभी सफलता मिलेगी, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, और किच किए बिना ही जय कार नहीं होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसके तहत, यानी अगर आपने उसको थोड़ा सा भी फॉलो कर लिया, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में, अगर आपने थोड़ा सा भी उसका कुछ अंश भी अगर फॉलो कर लिया, अपनी जो स्टडी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा उसका जोड़ दिया, तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगी। मुझे पता है कि आप अभी बहुत ही उत्सुक है इस वैकेंसी के लिए, आपको भी पता है कि आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसएससी जीडी के द्वारा जो वैकेंसी निकलने वाली है। 60,000 प्लस पदों की वैकेंसी रहेगी, आप सभी को पता है काफ़ी बड़े आंकड़े पे ये वैकेंसी आती है और इस वैकेंसी से बहुत परिवारों की उम्मीद होती है, आपकी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं, आप भी तैयारी रंज के कर रहे हो। मुझे पता है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अभी से इसके लिए टेंशन है, उसको अभी से चिंतित है इसके लिए कि कब मैं इसकी कैसे ना कैसे इसका नंबर ले लूँ। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको गाइडलाइंस अच्छी नहीं है, कुछ बच्चों को पता नहीं है कैसे तैयारी करें, क्योंकि कईयों के परिवार में कोई फोर्स की तैयारी नहीं की है, कईयों के परिवार में ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, आपको पता है अड़ोसी पड़ोसी हमेशा जलते रहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनको ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्स की तैयारी करके क्या मतलब है, क्यों फौज में जाके ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर फौज से अगर कोई सेफ नहीं है तो फिर तो बाहर कहीं सेफ है ही नहीं। तो ये तो कुछ लोगों की गंदी सोच है, वो आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए है। किसी बच्चों को भी आप कई बार देखे होंगे, मैंने देखा है कुछ इलाकों में बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं क्या है फौज की नौकरी में, बहुत ही बकवास नौकरी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि कितनी शान इज्जत शौकत मिलती है आपको इस फोर्स की जॉब से, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए अच्छी गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपके पास में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अपनी एक रूटीन सेट करिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम पे, अगर आप घर पे बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, आप रूम पे बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रूटीन सेट करना है कि मुझे दिन में किस प्रकार से पढ़ना है और उस रूटीन को फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे जो खास बात होती है निरंतरता, सबसे बड़ी बात होती है निरंतरता। यानी निरंतर अभ्यास करने से ही, आपको पता पत्थर होता है उसके भी एक रस्सी से, रस्सी तो कितनी कमज़ोर होती है, पत्थर कितना मजबूत होता है, उसके भी आपने देखा होगा कुएं से जहाँ से रस्सी से पानी निकालते हैं ना, वो पत्थर भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि निरंतरता। तो आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में लानी है निरंतरता। ऐसे नहीं एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन कम पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे मुख्य चीज़ है आपको लानी है निरंतरता अपनी स्टडी में। सबसे पहले अगर आपने निरंतरता ले आए अपनी स्टडी में, तो आप ये मान लीजिए पहले सीढ़ी ही पास हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या करनी है, निरंतरता के साथ में आपको देखना सटीक मार्गदर्शन कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम महत्व देना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, एसएससी जीडी के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है आपका ए भाग और बी भाग। दोस्तों, ए भाग और बी भाग को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसमें बता दूँ, मेरिट जो भी बनती है वो ए भाग और बी भाग, यानी मैथ और रीजनिंग से बननी है। मैथ और रीजनिंग की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके मेरिट में सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता है, देखिए अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग आपकी अच्छी, अगर आप मैथ अच्छी होगी रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी, उसमें भी आप 25 के 25 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर जीके में इनमें 25 में 25 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीके कितना बड़ा इसका सिलेबस है, उसमें 25 के 25 नंबर ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैथ में ला सकते हो, रीजनिंग में ला सकते हो, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको किसको में करना है, मैथ और रीजनिंग में करना है सबसे ज़्यादा फोकस, ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आ सके। तो इसलिए सबसे पहले ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है मैथ और रीजनिंग। और मैथ, जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आती या मैथ कमज़ोर है, तो उनको, उनके लिए मैं बता दूं कि मैथ को किस प्रकार से आपको मिलाना है, किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ जब भी आप मिलाओ तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, मैथ के हर एक पर्सनालिटी के इजी क्वेश्चन आपको सीखने हैं, क्योंकि उससे आपको मोटिवेट होगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। आप क्या करते हो, पहले ही पर्सनालिटी जब मिलाना शुरू करते हो, कोई भी परसेंटेज ले, अगर मान लो परसेंटेज ले लिया, आप उसके 10 क्वेश्चन कर दिए, फिर उसके हार्ड क्वेश्चन आए, आपसे हुआ नहीं, आपका दिमाग खराब हुआ, आपने बुक को रख दी, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करना है, हर एक पर्सनालिटी के इजी क्वेश्चन को आप करिए, उससे क्या होगा आप में एक स्पीड आएगी, साथ में आपको वर्गमूल, घनमूल, वर्ग,
घन ये ज्ञात हो जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करने से, और आपकी पेन चलाने की स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो मैथ की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चनों की तरफ जाइए, इस प्रकार से मैथ मिलाइए। साथ ही अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको परेशान करना है तो उसको क्या करना है, पहले उसको हल करना है, फिर अपने मन से वैसा का वैसा क्वेश्चन बनाना है, फिर उसको हल करना है। ये प्रक्रिया 1 से 2 बार करनी है, उसके बाद में ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे आप वो क्वेश्चन का फॉर्मूला। इस प्रकार से फॉर्मूले पकड़ने, एक आपको क्या कि मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉजिक वाली चीज़ है। आप कभी भी ये नहीं देखें मैथ मिला रहे तो आपको एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं, लग गया, लेकिन उससे आपका दिमाग शार्प होता है। लग गया तो लग गया, लेकिन उसको हल करना ही है, उसको सीखना ही है, जिस चीज़ को पकड़ लिया उसको सीखना ही है। मैथ ऐसे सब्जेक्ट है, इसको अगर आप टाला टोली करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको क्या करना है, सीखना ही सीखना है। अगर जो चीज़ आपको परेशान करनी है उसको सीख के मानना चाहिए, 1 घंटा नहीं आज पूरा दिन लग जाए लेकिन इसको तो मैं सीखूंगा, और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए मैथ की। इस प्रकार से तो मैथ को क्या करना, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन, मैं कई बार बता चुका हूँ आज फिर बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन लेने हर एक प्रश्नावली के, उनको हल करते रहना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपको वर्ग घन टेबल्स ये याद होंगे, मल्टीप्लाई करने की क्षमता बढ़ेगी, भाग करने की क्षमता बढ़ेगी, डिविडेशन करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छी स्पीड आएगी, और फिर उसमें टिपिकल क्वेश्चनों में भी ये सहायता करेंगे। इस प्रकार से आपको मैथ करनी, रीजनिंग के लिए लॉजिक लगाते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक से दूसरे से पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है, बार बार लॉजिक लगाते रहना, दिमाग को परेशान करना रीजनिंग के लिए, ताकि उसमें शार्पनेस आए, ठीक है। जीके याद करने के लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, जीके याद, कई बच्चों को जीके फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कईयों को बोरिंग लगता है जीके, तो जिन बच्चों को बोरिंग लगता है ना वो जीके कब पढ़े, जब उनका सबसे अच्छा पढ़ने का दिल करे उस समय जीके पढ़े, और जिन बच्चों को फेवरेट सब्जेक्ट जीके तो वो उसको तब पढ़े जब उनका सोने का दिल करे, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट रुचि प्रधान सब्जेक्ट से क्या अपने आप अटैच हो जाता बंदा, और नींद नहीं आती, इसलिए रुचि प्रधान सब्जेक्ट को उस समय काम मिले दोस्तों, और उसी टाइम उससे पढ़े, ठीक है। और जीके पढ़ने के लिए मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको पूरी बुक लेनी है, पूरी थ्योरी वाली, चाहिए आप लूसेंट की ले लो या और भी आपके पास में अगर कोई गाइड है उसको ले लीजिए, और उसको टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते जाइए, उसके मेन मेन टॉपिक को नोटबुक में लिखिए, ताकि आगे से आपको याद रहे, जब भूलो तो नोटबुक में अपनी नोटबुक में देखे उसको याद कर सको। इस प्रकार से जीके को पकड़े। करंट जीके आपको हर रोज़ पढ़नी है, अगर आप SSGD तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, करंट जीके आपको हर रोज़ पढ़नी है, ठीक है। अब बात आई हिंदी की, तो हिंदी की आप क्लासें भी ले सकते हो, जैसे अपने भी चैनल पर क्लासें चल रही है कमांडो अकेडमी पे, और भी अगर आप चाहो तो और भी क्लासें ले सकते हो बहुत सारी हिंदी की, और कोई छोटी गाइड बुक भी ले सकते हो, गाइड बुक भी हिंदी की बहुत आती है, लेकिन हिंदी ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप कवर कर लोगे। जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग, और उसके बाद में जीके को आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग को भी काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि निरंतरता लाना है और ठान लेना। सबसे फास्ट बात है कि आपको ठान लेना कि इस बार मेरा नंबर पक्का, और पक्का नंबर ठान लेने से नहीं बेटा, ठान लेना पहला कदम है, दूसरा कदम है उसके लिए मेहनत करना, फिर दूसरे कदम पे मेहनत करनी है, और इतनी तगड़ी मेहनत करनी है कि आपको कोई रोक ना सके। तो इस प्रकार से आप मेहनत करिए, जैसे मैंने बताया, सबसे खास निरंतरता लाइए, चाहे आपका जब दिल करे तब पढ़े, लेकिन अपना एक रूटीन बनाइए, अपना एक गोल बनाइए हर रोज़ की, आज मुझे ये सब चीज़ें करनी, आज मुझे ये पर्सनालिटी कंप्लीट करनी, आज मुझे ये पर्सनालिटी कंप्लीट करनी, आज मुझे जीके का ये पोर्शन कंप्लीट करना है, हिंदी का ये पोर्शन। तो एक अपना गोल हर रोज़ सुबह बनाइए, और उस गोल को जब तक शाम तक पूरा नहीं करते तब तक आराम नहीं लेना है। अगर आप गोल बना के पढ़ने लग गए ना बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी। तो इस प्रकार से पढ़िए, फिर आप देखते हैं कैसे नहीं बनते आप फौजी। जय हिंद, जय भारत।